बुरहानपुर के उद्योग नगर में उद्योगों के चिमनी से निकलने वाला धुआं क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। प्रदूषण से लगातार पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। चिमनियों से झड़ने वाली राख राहगीरों की आंखों के लिए परेशानी बन चुकी है। राख से राहगीरों की आंखों में जलन होती है। निर्धारित से कम ऊंचाई पर लगे चिमनियाँ लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ रही हैं। वहीं 400 वर्ष पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारे की संगमरमर में बनी से बनी इमारत भी काली पड़ने लगी है। शहर में बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। यहाँ चल रहे उद्योगों से निकलने वाला धुआं बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैला रहा है। अब वायु प्रदूषण का असर स्वास्थ्य पर भी स्पष्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उद्योग नगर में कम ऊंचाई की चिमनियों से निकलने वाले धुओं से राख और जलते तिनके राहगीरों की आंख में खलल डाल रहे हैं। उद्योग नगर क्षेत्र से लगी करीब 10,000 की आबादी इस समस्या से सालों से जूझ रही है। यही नहीं, चिमनियों से निकलने वाला काला धुआं आसपास की इमारतों को भी खराब कर रहा है। उद्योग नगर से लगे लोधीपुरा गुरुद्वारा कॉलोनी, पुलिस लाइन और शिप कॉलोनी में 10,000 से अधिक आबादी है जो इस धुएं से परेशान है। यहाँ नालियों में बहने वाला केमिकल भी क्षेत्र के लोगों के लिए हानिकारक है। इन उद्योगों से निकलने वाला धुआं ऐतिहासिक गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा, जो कि संगमरमर का बना हुआ है, अब वह भी क्षय हो रहा है। उद्योग नगर स्थित बड़ा गुरुद्वारा की संगमरमर से बनी इमारत पर चिमनियों से निकलने वाले धुएं की परत जम रही है, जो ऐतिहासिक महत्व की सफेदी को धीरे धीरे कम कर रही है। यहाँ गुरुद्वारे के 200 मीटर के दायरे में 50 से अधिक छोटे बड़े उद्योग संचालित हैं। गुरुद्वारा पर राख जमा होने के कारण हर दूसरे दिन गुरुद्वारा प्रबंधन को पूरी इमारत के साथ परिसर की सफाई करना पड़ती है। मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि गुरुद्वारा के आसपास जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ से काला धुआं निकल रहा है। इस संबंध में मैंने तहसीलदार को बोला है, वो जाकर के मौके पर जांच कर लेंगे और साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो रीजनल ऑफिसर है उनको भी बता दिया जाएगा कि वो आकर के उसकी जाँच करेंगे और बेहतर कार्रवाई की जाएगी। जिला उद्योग से जो निकल रहा है लकड़ी का धुआं, इनको लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोयले का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो लकड़ी का धुआं निकल रहा है वहाँ पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, संगमरमर सा बना है, उसकी खूबसूरती ख़राब हो रही है। और साइजिनों से जो गंदा पानी निकल रहा है, वो पानी में कभी गाय इसको पी ले या कोई उसमें हाथ डाल दे तो वो मर सकती है और वो ख़राब हो सकता है हाथ, किसी और को ध्यान देना चाहिए। मैं कलेक्टर महोदय से गुजारिश करता हूँ कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल जी। ये जो यहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है, ये जो औद्योगिक नगर है इसकी चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है जिस जो संगमरमर का है, जिसके धुएं से संगमरमर की पत्थर की खराबी हो रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं और शासन से भी निवेदन करते हैं कि यहाँ पर इनका कोई भी मतलब निराकरण करा जाए।